बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्टअप करते हैं, स्टार्ट का मतलब क्या है? स्टार्ट का मतलब है शुरुआत, स्टार्टअप का मतलब है आज शुरुआत अभी करो। आंध्र मंडल का क्या मतलब है? आंध्र जो शब्द है उसका मतलब ही है शुरुआत करना। जैसे आप सुबह उठती हैं, आप सबसे पहले क्या करती हैं? नाश्ता के पहले एक ग्लास पानी, थोड़ा सा चाय, तो वो शुरुआती दौर क्या है? क्या चाय से आपकी पेट भर जाती है, क्या आपको नाश्ते की आवश्यकता पड़ती है? एंटरप्रेन्योरशिप वही शुरुआत है। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कहीं भी नहीं कहता कि आपको एक एयर कंडीशन रूम में बैठ के बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बात करने की आवश्यकता है। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ ये कहता है कि अगर आपको जज्बा है, आज जज्बा है, अभी जज्बा है, अभी कुछ कर जाने का, अभी अगर आज जब मैं स्टेज पे हूँ तो आप बोले हम अपना नंबर कैदरम मिलते हैं, या दीदी आपका नंबर कैदरम मिलते हैं, वो जो जज्बा है उसी को स्टार्टअप करते हैं और कुछ है ही नहीं। सुनने में बड़ी बातें कभी कभी बहुत छोटी और दिल को छूने वाली बातें होती हैं। क्या आप इस चीज को दिल को छू सकते हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि हम करेंगे? आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप अभी भी कर रहे हैं। आपके जितने ग्रुप्स आए हैं, ये बात प्रदर्शित करता है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है वो झारखंड में जागरूक है। आपको अगला कदम उठाना है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं उम्मीद करूंगी कि आपका जो अगला कदम है वो इस ओर होगा कि अगर आज मैं यहाँ हूँ, कल यहाँ और परसों वहाँ होगी। मैं उम्मीद करूंगी कि आज दो कहानियां हमारे साथ शेयर होंगी, कल हमारे यहाँ उड़ हो जाएगी, अगली कहानी किसकी होगी। मैं उम्मीद करूंगी कि हमारी दीदियों ने आके बताया कि वो चाय, नाश्ता, इमली जैसी चीजों से शुरुआत कर सकती है, तो आप क्या करेंगे? क्या ये पूरा बातचीत का दौरा हम बाहर भी ले जा सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं साथ मिलकर कुछ करने का? आज मुझे बुलाया गया था, मेरी जर्नी या मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 8 सालों में उसे शेयर करने के लिए, उसे आपके सामने रखने के लिए, तो वो मैंने रखा। मेरा अनुभव 8 साल का है, जो बहुत लंबा हो सकता था, आशा बड़ा लंबा हो जाता, 8 साल होते भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे छोटा करते हुए मैं आपसे क्या कहूँगी? शुरुआत में मैंने अपनी नौकरी आखिरी बार हैदराबाद में देखी थी। मेरा जो उस समय का सपना था कि दोस्तों के साथ घूमना, गपशप करना, हैदराबाद में हमारा पूरा मतलब गपगोष्ठी का एक गैंग बैठा था, घूमते थे फिरते थे और हमने कभी सोचा नहीं था और मुड़ के देखा भी नहीं था, सही बात है। लेकिन 8 साल पहले जब मैं अपने प्रदेश आया और मैं आज जो यहाँ हूँ, 8 साल का ये मेरा रिश्ता झारखंड से है। बाहर जाती हूँ तो कहती हूँ कि मैं झारखंडी हूँ। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहोगे? मैं चाहूंगी कि आप भी वहां जाके जोहार